हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं से लगातार आ रही है एडवर्टीजमेंट, और ये बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, न्यू एडवर्टीजमेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स में आज 27 दिसंबर 2022 को पब्लिश हुई है, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आई है, हो सकता है 2 या 3 डेज में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाए। तो कौन सा कॉलेज है, कहाँ है, क्या जॉब लोकेशन है, कितने पोस्ट है, सारी चीजें आप वीडियो में ही चेक कर सकेंगे। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सैलरी 80-85,000 रुपीज पर मंथ इनिशियली रहेगा। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए आगे वीडियो में चेक करते हैं एडवर्टीजमेंट, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट। तो इस तरीके से कॉमर्स के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जैसे कि किसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं है, पोस्ट नहीं है अवेलेबल, तो ऐसे केस में यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में आकर अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर उसमें सीट नहीं है अवेलेबल रिजर्व कैटेगरी में। तो इकोनॉमिक्स में टोटल 6 वैकेंसीज है, इंग्लिश में टोटल 15 वैकेंसीज है, हिंदी में टोटल 10 वैकेंसीज, हिस्ट्री में 10 वैकेंसीज है टोटल, मैथमेटिक्स में 4 है, पॉलिटिकल साइंस में 15 वैकेंसीज टोटल, फिजिकल एजुकेशन में 1, एनवायरमेंटल साइंस में 1 एंड संस्कृत में 1, तो टोटल मिला के 75 वैकेंसीज हैं, जिनमें जनरल कैटेगरीज के लिए 29 वैकेंसीज हैं। अभी जैसे संस्कृत में यूआर में सीट नहीं है, तो मतलब जिस कैटेगरी के लिए है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही एप्लीकेशन कर सकेंगे। ये नोटिफिकेशन आज मैंने जैसे आपको बताया कि 27 दिसंबर 2022 27 दिसंबर 2022 की डेट पे हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग। तो अभी वेबसाइट पे मैंने चेक किया, वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में पब्लिश होने के 2 या 3 दिन बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाती है। तो आप वैसे भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग विकिपीडिया से ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, अगर आपका यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट अवेलेबल है और आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है ये, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं कई सारे, और लगभग सभी कॉलेजेस से वन बाई वन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड, उनसे वन बाई वन एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रही है परमानेंट पोस्ट की। तो उनमें से एक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी कॉलेज आते हैं उनकी एप्लीकेशन colrec.uod.ac.in पर जाकर की जा सकती है। इस वेब लिंक पर जब आप जाएंगे तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग आपको नजर आएगी। ऑप्शन ऐड होने में 2-3 दिन जैसे मैंने आपको बताया लग जाता है, तो भी 30-31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए एडवर्टीजमेंट इस वेबसाइट पर, एप्लीकेशन के लिए भी और वेबसाइट पे भी। From the eligible candidates for appointment to the post of assistant professor in the academic pay level 10 with rationalized entry pay 57,700 as per 7 CPC, तो 57,700। दिल्ली में क्या है कि HRA ज्यादा रहता है, तो हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा होने के चलते वहां पर जो ग्रॉस सैलरी वो ज्यादा 85,000 के अराउंड मंथली स्टार्टिंग सैलरी बनती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी 10 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट द कॉलेज वेबसाइट mlnc.org एज वेल एज। अच्छा, तो ये जो है इसके लिए mlnc आपको कोई वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, mlnc.org। ये वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट की लिंक है ये नोट डाउन कर ले, इस पे जाके चेक कर सकेंगे।